नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। कल पूरे दिन अनंत सिंह को लेकर के खबरें लगातार लाइव सिटीज आपको दिखा रहा था, आप तक पहुंचा रहा था। अनंत सिंह किस तरह से उनका मेगा रोड शो हुआ है और कहीं ना कहीं ये मेगा रोड शो हिट भी कर गया है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों के काफिले के साथ अनंत सिंह सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए पटना से लेकर मुंगेर लोकसभा तक पहुंचे, वो अपने मोकामा क्षेत्र में भी गए थे, बाढ़ भी गए थे, सभी जगह गए थे और ये तस्वीरें लगातार आप तक लाइव स्ट्रीम पहुंचा रहा है। कल से लगातार हम ये खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर निकल के ये आ रही है इसमें से कि अनंत सिंह के गाड़ियों पर जो पोस्टर लगे हुए थे, आपने देखा था उसमें महागठबंधन के सभी नेता मौजूद थे उस पोस्टर के ऊपर। लेकिन बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि अनंत सिंह को कल रात्रि विश्राम उनके समधी के घर बढ़िया में करना था, लेकिन वह वापस पटना आ गए हैं। उन्हें आगे भी बढ़ना था, मुंगेर लोकसभा के सभी जगहों पर जाना था, लेकिन वो वहां पर नहीं गए हैं। कल रात को ही वो पटना वापस आ गए हैं अपने घर पर। और इस बीच एक राजनीतिकरण भी हो गया है इस रोड शो के दौरान। बता दें आपको, आपने देखा होगा अनंत सिंह के गाड़ियों पर जो पोस्टर्स लगे हुए थे, जो छोटे छोटे पैम्पलेट लगे हुए थे, उस पर महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं के चेहरे झलक रहे थे। उन चेहरों से ही कहीं ना कहीं अब बात बिगड़ती हुई दिख रही है। कल जब लाइव सिटीज की संवाददाता अक्षय आनंद ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से बातचीत की है, उस दौरान उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कोई गठबंधन पर बात नहीं हुई है। हालांकि खबरें यह भी निकल के आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि अनंत सिंह की बातचीत लालू प्रसाद यादव से हो गई है, जो इस वक्त रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह ये सोच रहे हैं कि वो महागठबंधन में है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी इससे ऐतराज है। हमें उस शब्द को नहीं भूलना चाहिए था, एक बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बैड एलिमेंट तक कह दिया था अनंत सिंह को। अब एक तरफ जहां अनंत सिंह के गाड़ियों पर लगे हुए पोस्टर में सभी महागठबंधन के नेताओं के चेहरे को झलकाना, साथ साथ उन महागठबंधन के नेताओं का इस पर ऐतराज जताना कि अभी तक जब अनंत सिंह महागठबंधन में नहीं आए हैं तो वो उनके चेहरे को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पोस्टर्स पे, अब ये राजनीतिकरण बड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में ये राजनीति किस तरह से बदलती है, क्या कुछ निकल के आता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या अनंत सिंह महागठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से अनंत सिंह की बातचीत हुई है, ये बात अंदर खेमे से निकल के आ रही है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। क्या औपचारिक ऐलान होने तक अनंत सिंह इंतजार करेंगे? और साथ साथ जब वह जनता जनार्दन को प्रणाम कर रहे थे तो उन्हें उनके जनता जनार्दन ने साफ साफ कह दिया है कि जब वो अगली बार आए तो कोई सिंबल लेकर ही आए, क्योंकि कल जब वो गए थे मेगा रोड शो करने के लिए तो उनके पास कोई सिंबल नहीं था। हालांकि वो कह रहे थे कि मैं महागठबंधन की तरफ से हूं, लेकिन कोई सिंबल उनके पास नहीं था। तो जनता ने भी उनसे अनुरोध किया है कि अगली बार जब आशीर्वाद लेने आए, वोट मांगने आए, तो उम्मीद है उस वक्त तक वो सिंबल ले चुके होंगे और वो लेकर ही आए। फिलहाल ये इन सब बातों से अलग हटकर अगर हम देखें तो कल का रोड शो कहीं ना कहीं अनंत सिंह का हिट रहा है। और जैसे आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे, गाड़ियों का काफिला कल पूरे दिन निकलता रहा, पटना से लेकर मोकामा तक गाड़ियों का काफिला नजर आया था। अनंत सिंह भी इसको लेकर के गदगद है और वह भी इस रैली को, इस रोड शो को हिट मान रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या उन्हें सिंबल मिलेगा, किस पार्टी का सिंबल मिलेगा, कौन से दल में वो शामिल होंगे, क्या महागठबंधन उन्हें एक्सेप्ट करेगा बैड एलिमेंट कहे जाने के बाद भी, इन तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अपडेट करता रहेगा। अगर अभी तक आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।